हमारी गुरु परंपरा सन्यास परंपरा के गौरव पूज्य काशी महाराज जी के आशीषों से उनके अनुग्रह की छाया में इस योग शिविर का प्रारंभ हुआ है और 7 बजे अन्य भी सन्यासियों का गुरुओं का ऋषियों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और सत्र के प्रारंभ में हमारे वेद परंपरा वेदो अखिलो धर्म मूलम योग परंपरा हमारी आर्ष ज्ञान परंपरा के गौरव जिन्होंने वेदों को जिया है और वेद संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए इस वर्तमान भारत में सर्वाधिक वेद विद्यालय किसी महापुरुष ने बनाए हैं तो वह हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज। हमारे इस वैदिक सनातन धर्म का जो मूल है वो वेद है और उस वेद की प्रतिष्ठा के साथ में जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो, दिव्यता की प्रतिष्ठा हो, भगवत्ता की प्रतिष्ठा हो, उसके लिए जो अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं और भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए भागवत कथा से लेकर के और पहले महापुरुष हैं जिन्होंने महाभारत की कथा, लोगों ने महाभारत के बारे में भी बहुत भ्रांतियां, जैसे योग के बारे में बहुत भ्रांतियां पैदा कर दी हैं लोगों ने, आयुर्वेद के बारे में बहुत सी भ्रांतियां पैदा की, अलग अलग क्षेत्रों में लोग बहुत तरह का भ्रम अज्ञान पैदा करते रहते हैं, तो महाभारत के बारे में भी बहुत सा ज्ञान लोगों ने पैदा कर दिया था। महाराज श्री की कल ही भगवत महाभारत की कथा का विश्राम यहाँ पर हुआ, इसके लिए भी महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि हमें जो जय नाम का ग्रंथ था जिससे जीवन में जय विजय मिलती है और हम हमारे जीवन में धर्म का सच्चे अर्थों में आधान होता है और जीवन की सभी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा जो महाभारत ग्रंथ है उसकी कथा है, उसका प्रवचन, उसका उपदेश और महर्षि वेद व्यास का संदेश वो घर घर तक जन जन तक पहुंचाने के लिए महर्षि ने बहुत प्रयत्न किया है और वैयक्तिक रूप से मेरे साथ उनका 25 वर्ष से का एक अनन्य संबंध रहा है। जब मैं आचार्य के रूप में आचार्य रामदेव था तब से लेकर के और स्वामी रामदेव तक की प्रक्रिया में उनका बहुत बड़ा आशीष मेरे शीश पर रहा है और हमारे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिन्होंने गीता को जियो गीता के माध्यम से कि गीता जो है वह जीने के लिए है, उपदेश तो है ही, संदेश तो है ही गीता का, वह शाश्वत ज्ञान तो है ही गीता का, लेकिन उस गीता के ज्ञानामृत को जीते हुए उस पीते हुए सबको पिलाते हुए और गीता के माध्यम से भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म की प्रतिष्ठा करते हुए बहुत बड़ा एक दिव्य पुरुषार्थ पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। पूज्य लोकेश मुनि जी जिनका अनन्य अनुग्रह हम पर सदा रहा है और आज इस शिविर के प्रारंभ में ही उन्होंने आकर के हम सबको आशीष दिया है और ये सत्य है कि जैन धर्म की जो मूल परंपरा है वो योग अध्यात्म ध्यान की ही मूल परंपरा है और जो योग के मूल सिद्धांत है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायीश प्रणिधानानि नियमाः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात शुद्धि क्षय जान दीप्ति ही आविवेक ख्याते है। योग के जो मूल सिद्धांत है वे ही जैन धर्म के मूल सिद्धांत है, तो योग धर्म में और जैन धर्म में कोई अंतर ही नहीं है। तो महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने आके हमें आशीष दिए। पूज्य महाराज श्री ने इस कुंभ क्षेत्र का लगभग सबसे बड़ा पंडाल बनाया है, इसके लिए पूज्य महाराज श्री का भी अभिनंदन।
यहां दो ही बड़े पंडाल हैं, एक तो पूज्य महाराज श्री का और दूसरे हमारे जोना अखाड़ा के पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी का, और दो अलग अलग शोर हैं। और उसमें जो अध्यात्म का जो मूल सत्य है, जिसको गीता में दैवी संपद कहा है, वो दैवी संपद इस महाकुंभ में कहां पर है, तो वह कार्ष्णी कुंभ में क्षेत्र है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुरातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु चाह संपदं दैवीं अभिजातोऽसि भारत अभी जातो सिपाता। देखो ये दैवी संपद, इसके संदर्भ में पूरा आपको प्रबोधन भी देंगे और ये हमारे जीवन में उतरे, ये हमारा स्वभाव बने, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं। और योग तो हमारा मूल स्वभाव ही है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक का निष्कर्ष। तो पूज्य महाराज श्री ने हमें कहा कि समृद्धि स्वाभिमान और संस्कृति का यह पुण्य अनुष्ठान हमारे जीवन में प्रवाहित हो। और मैं कह रहा था इस कार्ष्णी पीठ में यह दैवी संपद का अनुष्ठान है। जितने भी सन्यासी इस कुंभ क्षेत्र में हैं, सन्यासी के भीतर कुछ मूल स्किल्स होने चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कुशलताएं होनी चाहिए उसके अंदर। हमारे गुरुदेव हमें जब अध्ययन काल में उपदेश देते थे, तब ये संदेश उनका सबसे बड़ा होता था कि सन्यासी के जीवन में यदि हुनर नहीं होगा, उसके जीवन में कुशलताएं नहीं होंगी, तो उस सन्यासी के द्वारा इस जगत का कोई उपकार नहीं हो सकता। और संत यदि परोपकारी ना हो, संत यदि उपयोगी ना हो संसार के लिए, तो फिर कौन उपयोगी होगा। संत यदि परोपकार नहीं करेगा तो संसार तो स्वार्थ में डूबा हुआ है, और उपकार वही कर सकता है जिसमें कुछ विशेष कुशलता हो। तो साधु के जीवन में सबसे पहली योग की कुशलता, फिर उपदेश की कुशलता, जीवन के श्रेष्ठ आचरण की कुशलता, नेतृत्व की कुशलता, वक्तित्व की कुशलता तो साधु में होनी चाहिए, और फिर उसमें इस दैवी संपद की कुशलता। ये दैवी संपद उसके जीवन का आचरण का हिस्सा बन जाए, उसका स्वभाव बन जाए। तो इसलिए मैं इस कुंभ क्षेत्र में जितने भी संपूर्ण भारतवर्ष से साधु सन्यासी योगी आए हैं, वो योग के मूल स्किल को सीखें। सबको आना चाहिए योग। योगी को योग ना आए, सन्यासी को योग ना आए, तो मैं उसको सन्यासी नहीं मानता, मैं नहीं, शास्त्र उसको सन्यासी नहीं मानता, उसको आना ही चाहिए। ये योग की कुशलता थी। और संसारी लोगों का योग के बिना गुजारा नहीं, योग नहीं होगा तो भोग से रोग पैदा होगा जीवन में, और जीवन दुख से भर जाएगा। इसलिए इस कुंभक क्षेत्र में जितने भी सन्यासी हैं और जितने भी संसारी जन आए हुए हैं, चाहे वह परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हों, चाहे वो संसार के इस भौतिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हों, सबके लिए यह योग का अमृत समान रूप से उपयोगी है।